वृंदावन में घर से नकदी चोरी कर और युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने नामजद के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। वहीं आरोपी खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। वृंदावन की एक कॉलोनी में महिला मित्र के यहां रह रही युवती ने अपने मित्र के भाई के दोस्त पर 29,000 रुपए चोरी करने और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाकर तहरीर दी है। पीड़िता के अनुसार भाई का दोस्त, जिसका घर पर आना जाना था, उसने 12 जून की दोपहर को घर में घुसकर 29,000 रुपए निकाल लिए। बाद में युवक ने चोरी की बात स्वीकार की और पैसे दो दिन बाद देने के लिए कहा, लेकिन आज जब युवती उसके घर पैसे लेने पहुंची, तो उसके साथ मारपीट और छेड़छाड़ कर दी। वहीं दूसरी ओर आरोपी युवक की माने तो उस पर लगे सारे आरोप निराधार हैं, उल्टा उसके साथ घर पर आकर मारपीट की गई है। इस संबंध में कार्यकारी कोतवाली प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आप थाने क्यों आई हैं? क्योंकि मैंने ना 3,000 रुपया रखा था, मतलब तो मेरे पैसा निकाल लिए 29,000। फोन ला के दिया, मुझे फोन नहीं चला था। मैंने कहा भाई फोन नहीं चाहिए, मुझे पैसा दे दो। फिर मेरे पर्स से पैसा निकाल लिया। जब मैंने बोला कि मुझे पहले मेरे पैसे क्यों निकाला तुमने, तो बोले कि बाद में दे दूंगी दो दिन बाद। जब दो दिन बाद लेने गए तो मेरे से हाथापाई करे और फिर मारने लगे, बोले कि ऐसे ऐसे। फिर नहीं दिया पैसा, फिर मैंने आके थाने में आग ऐसा किया। ये शुरुआत कैसे, क्या है पूरा मामला? ये भाई का दोस्त है, मैं नहीं जानती उसे। आपके भाई का दोस्त है? हाँ, मतलब इनके भाई के दोस्त हैं। तो मैंने बोला कि मैंने इनके भाई से बोला, तो इनके भाई ने उनसे बोला मतलब कि फोन चाहिए। तो हमने कहा फोन मुझे कीपर के लाके दे, तो वो लाके दिए, मतलब खराब निकला। तो हमने कहा नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। फिर पैसा नहीं दिया, ऊपर से नहीं, फिर मेरे 29,000 रुपये निकाल के लेके चले गए आपके कमरे से, रूम से। हाँ, मेरे पास से पूरा। फिर मैंने बोला तो बोले कि दो दिन के बाद दे दूंगा। फिर मैं दो दिन बाद जब उनके पास आ जाऊंगा, जब हमने कमरे में बंद कर लिया था, तब इसने बोला कि हम दे देंगे, फिर वहाँ से भाग गया। फिर मैंने दो दिन बाद मैंने पैसे लिए आज गई हूँ, तो मेरे से हाथापाई किया। फिर इनके दोस्त ने मेरे गले पे, मतलब मेरे छाती तक हाथ ले गए। तो मतलब क्या, मतलब किराए पर रहकर यहाँ पढ़ाई करती हैं? हाँ, अभी पढ़ाई नहीं चल रहा, लॉकडाउन है। तो इसने आपके 29,000 रुपए ले लिए हैं, चोरी किए हैं मतलब? हाँ, मेरे पर्स से निकाल लिए और आज मारपीट भी की है। ये मामला ये है कि सर, मैं तो घर पर सो रहा था आज सुबह। मेरा दोस्त अंकित नाम का, जिसका नाम अंकित है, मेरे 8 साल से दोस्ती थी उससे। अंकित ने मुझको घर पर आके, घर पर अंदर आया और अंदर आके मुझसे बोला बाहर आ, तो उससे बात करनी है, मेरी मम्मी वगैरह आई हैं। ठीक है, मैं आया, बाहर आया तो पहले इन लोगों ने मेरे पे 12 तारीख को चोरी का इल्जाम लगाया कि तू, अंकित ने 4,000 रुपये दे दिए और अंकित ने 10,000 रुपये तुझको दिए। ठीक है, और अंकित ने अपने घर वालों को ये बताया कि 10,000 रुपये उसने मुझको दिए। ठीक है, मैंने बोल दिया मेरे पे पैसे नहीं दिए। अब ये लोग मुझसे जबरदस्ती कह रहे पैसे, या तो पैसे दे या फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये होगा वो होगा, इसकी बहन मुझसे बोलने लगी। मैंने कह दिया तुमको जो करना है तुमको वो करो। मैंने जब पैसे नहीं लिए तो नहीं लिए, अंकित ने मुझको पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, मैं कहाँ से दूँ पैसे लाके? 10,000 रुपये मेरे से बोल रहे कि 10,000 रुपये तुम मुझको दो, नहीं तो हम तुम्हारे नाम की ये कर देंगे वो कर देंगे। तुमको जो करना है तुम वो करो आराम से, मेरे को कोई आता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद मैं 2-4 दिन तक ठीक है। उस दिन दोपहर में मेरे घर पे आकर मेरे पापा से बदतमीजी करी, मैं नहीं था। ठीक है, मैं आया दोबारा सामने तो मुझसे जबरदस्ती करने लग गए, तो मेरे घर वालों ने मुझको चुपचाप बैठा दे, तो शांत बैठा। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि सुबह सुबह ये आए और इसकी बहन वगैरह ने बाहर मेरे को जबरदस्ती खींच के मारा पीटी करके फाड़ फूट दिया, सब कुछ खाता हूँ मैं, चोट लगा लोगों के। यहाँ मेरे ना मूसली मारी थी इन्होंने बहुत दिन घर पर मूसली, और आज आज भी इन्होंने और अंकित ने मेरे ऊपर पूरा घर पे, पूरे मोहल्ले के सामने पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। तो इस बारे में आपने पहले शिकायत की थी थाने में? पहले मैंने इसलिए नहीं कि 8 साल की दोस्ती है, क्या करूं क्या नहीं करूं। आज ये आकर घर पर आकर लड़ाई झगड़ा, अब तो लड़ाई झगड़े पे तंग आ गए, ये मुझको मारा पीटी करने लग गए। तब जाके मोहल्ले वाले ने कहे तुम जाओ और रिपोर्ट लिखा के आओ, नहीं तो ऐसे तो ये रोज ही ना करेंगे। तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि तुमने कुछ 14,000 रुपए या कितने रुपए लिए हैं? 14,000 रुपए अंकित ने चुराए और अंकित ने 4,000 रुपए अपने घर वालों को दे दिए कि 4,000 रुपए मेरे पास है, 10,000 रुपए मैंने उसको दिए। किसको? मुझको। मेरा नाम अजय, मैंने अजय को पैसे दिए 10,000 रुपए, वो यूँ कह रहा है अंकित अपने घर वालों से, और मुझको उसने 1 रुपया नहीं दिया। तो मतलब जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं? ये सब झूठे हैं। तो पैसे कहाँ हैं, किसने? मेरे पास पैसे होते तो मैं देता ना, मेरे पास पैसे भी, मुझको अंकित पैसे क्यों देगा, क्यों देगा मुझको पैसे? बता रहे हैं आप घर में गए थे और पैसे निकाल लिए? नहीं, मैं नहीं गया। मैं जब भी घर पर गया हूँ, जब भी इनके 8 साल से आराम से ये मेरे घर पर आ रहा है, मैं इसके घर पर आ रहा हूँ, 8 साल से कोई मैटर नहीं हुआ। आज जब अंकित ने 4,000 रुपए निकाल के दिए तो 10,000 रुपए का नाम मुझ पर तुरंत लगा दिया उसने। कहाँ से वे मतलब मैं तो आज सो रहा था घर पर, कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं, मोहल्ला वाले सब बताएंगे। तो आपने पुलिस को?
मोहल्ला वालों के पास जाके पूछो तो आप सब बताएंगे कि कौन सो रहा था, कौन किसके घर पर आया, कौन ने किसने मारपीट करी। तो आपने पुलिस को तहरीर दी है? मैंने पुलिस को तहरीर दी, एक बार लिखित में दी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं उसके बाद में 112 नंबर 100 नंबर पर कॉल करके इनके घर पर गया हूँ। तब जाके इनके साथ में मुझको भी मुझसे बुला दिया था कि थाने पहुंचो, इनसे बोला थाने पहुंचो, तो मुझको तो यहाँ पर खड़ा कर लिया है और उन लोगों को भगा दिया, तुम लोग जाओ हम।